Hello everyone and welcome to another session of videos for KVS PGT. In this tutorial we will cover the ASP, that is active server pages. अब जो इस वीडियो के अंदर हमने PPT कवर की है तो वो प्रेजेंटेशंस और PPT जो है वो हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है. आप हमारी वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाके इन PPTs को डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एक एनरोल्ड स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके इस फोल्डर के अंदर जब अगर आप इस फोल्डर को गूगल ड्राइव में एक्सेस करेंगे तो आपके इस फोल्डर के अंदर इस वीडियो की जो प्रेजेंटेशन है उसकी PPT फाइल आपको मिल जाएगी इन PDF फॉर्मेट. तो आगे बढ़ते हैं. अब देखिए कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि एज ए रेफरेंस वेबसाइट हम लोग यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैं इस वेबसाइट को एज ए रेफरेंस वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ w3schools.com. इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की वी हैव द वेबसाइट विच इज़ MSDN. सो इसके अलावा काफ़ी वेबसाइट हैं. इन सभी वेबसाइट से जो कंटेंट है, आई एम यूजिंग सम ऑफ द कंटेंट एज ए रेफरेंस मटेरियल. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेमस वेबसाइट विच इज़ w3schools. अगर आप वेब डेवलपमेंट का कोई भी ट्यूटोरियल्स अगर आप सर्च करते हैं गूगल पर, तो सबसे ऊपर आपको यही वेबसाइट मिलेगी विच इज़ w3schools.com. तो कुछ पार्ट है जो ट्यूटोरियल्स का जो मैं यहाँ से भी लूँगा, कुछ ऐसा पोर्शन है जो मैं बुक से भी लूँगा, कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि मैं दूसरी जो स्टैंडर्ड वेबसाइट है, जैसे कि w3schools के अलावा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है फॉर ASP, जहाँ से भी मुझे कंटेंट बेस्ट मिलेगा मैं हर एक बेस्ट कंटेंट आपके पास डिलीवर करने की कोशिश करूँगा और एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको वो कंटेंट डिलीवर करूँगा. ओके, अब दूसरा आपको एक चीज़ और समझनी है कि अब यहाँ पर हम जो ASP पढ़ रहे हैं वो ASP हम लोग प्रैक्टिकल्स के लिए नहीं पढ़ रहे. तो अगर आप इस वीडियो को प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो मैं ASP प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूँ. यहाँ पर जो मैं यहाँ पर ASP पढ़ाऊँगा वो बेसिकली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाऊँगा. तो मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो हैं कि प्रैक्टिकली आप किस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आप किस तरीके से ASP के लिए आप सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरीके से मशीन के अंदर सेटअप कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ. तो इस कोर्स में वो चीज़ें मैं कवर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, लेकिन हर एक जो चीज़ों की एक स्क्रीनशॉट लेके जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है वो चीज़ मैं ज़रूर कवर करूँगा. ठीक है, बिकॉज हमारा जो एम है इस समय पर वो KVS PGT एग्जामिनेशन है. अगर आप KVS PGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी और एग्जामिनेशन PGT एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियोज़ आपको हेल्प करने वाले हैं. और कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो कि आपके UGCNET के लिए भी हेल्प करेंगे. जैसे कि हमारे पास UGCNET में JavaScript आती है, तो जो पोर्शन है वो कॉमन सब्जेक्ट रहेगा, कॉमन पोर्शन रहेगा, तो वो मैं UGCNET के अंदर भी कवर करूँगा. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ASP से. और ASP से मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं, कौन से नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय पर आप इग्नोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, सो ये दूसरी वेबसाइट है आपकी माइक्रोसॉफ्ट की, दैट इज़ msdn.microsoft.com. यहाँ से भी आपको नोट्स मिल सकते हैं, बट अगेन आपको इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, आप अपने एग्जामिनेशन के लिए एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. तो एम वही है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अच्छा रैंक लेना है और सिलेक्शन ज़रूर करके दिखाना है. तो सिलेक्शन कराना ही एक हमारा इस समय पर एम है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके सिलेक्शंस ज़रूर हों. ओके, तो देखो हमारे पास दो टेक्नोलॉजीज़ हैं इस समय पर, एक है हमारे पास ASP और दूसरी है हमारे पास ASP.NET. सो जनरली ASP से डेवलप करके लेटर ऑन वी क्रिएटेड ASP.NET. अब जो ASP है उसको आजकल हम बोलते हैं क्लासिक ASP. जो ओरिजिनल ASP है उसको अब हम बोलते हैं क्लासिक ASP, बिकॉज ASP के बहुत सारे अलग अलग वर्जन जो है वो आ चुके हैं. सो ASP की फुल फॉर्म क्या है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं. ASP की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ है, ASP की फुल फॉर्म है हमारे पास एक्टिव सर्वर पेजेस. ओके, एंड इट इज़ अ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग वेब पेजेस. ये वेब पेजेस को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए एक फ्रेमवर्क है. सो बेसिकली ASP किस तरीके से काम करता है, एज्यूम करो कि ये एक क्लाइंट है. क्लाइंट यानी कि जो किसी वेबसाइट को ओपन कर रहा है, आप और मैं, हम लोग एक क्लाइंट है. अगर मैं किसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, लेट अस से msdn.microsoft.com. नाउ जब मैं इस वेबसाइट के पेज की रिक्वेस्ट करूँगा, इस वेबसाइट को ओपन करूँगा या किसी पेज की रिक्वेस्ट करूँगा, तो वो जो एक रिक्वेस्ट है वो हमारे सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी. सो सर्वर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं इस पेज को ओपन करना चाहता हूँ, मुझे ये वेबसाइट का पेज चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे सेंड कीजिए. अब ये जो सर्वर है ये इस पेज को डायनामिकली जनरेट करेगा. डायनामिकली जनरेशन ऑफ पेज, जनरेशन ऑफ
पेज, तो ये जो पेज है ये हम इसको डायनेमिकली जनरेट करेंगे और फिर इसका जो रिस्पांस है हम इस क्लाइंट को सेंड करेंगे। और जब मैं रिस्पांस के केस में हम एक पेज जनरेट करेंगे, वेबसाइट का एक पेज जनरेट करेंगे जो क्लाइंट को एज अ रिस्पांस की तरह जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक फ्रेमवर्क है जो कि वेबसाइट के वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है और आप जो कंटेंट है वो डायनेमिकली वेब पेजेस के अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि करंट डेट अगर आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि इंटरेक्टिव कंटेंट है, आप इंटरेक्टिव कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ASP का यूज़ करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने ओरिजिनली ASP को इसी वजह से बनाया था। एक तरीके से आप ऐसा भी कह सकते हैं जिस तरीके से हमारे पास PHP था, तो PHP था कि हम द PHP है हमारे पास, PHP इज ऑल्सो यूज वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क टू डेवलप वेबसाइट, तो उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ASP फ्रेमवर्क जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब हमारे पास ASP काफ़ी तरह के जो डेवलपमेंट मॉडल्स हैं ASP में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जैसे कि हमारे पास ओरिजिनल जो है हमारे पास क्लासिक ASP है, उसके अलावा हमारे पास ASP वेब फॉर्म्स हैं, अब हमारे पास ASP MVC है, ASP वेब पेजेस है, ASP API कोर है एंड ASP.NET कोर है। तो बेसिकली ये जो सभी है दिस आर .NET फ्रेमवर्क के अंदर ये सभी आते हैं, तो इन सबको हम बोलते हैं मोस्टली ASP.NET। तो जैसे ASP MVC है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ASP MVC भी काफ़ी फेमस हुआ था। अब हमें जो अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है वो हमें क्लासिक ASP पढ़ना है, हमें जो बाकी ASP के दूसरे मॉडल्स हैं, डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, इनको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन में इनमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, आपको इन सभी मॉडल्स के जो नाम है और बेसिक एक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक फुल फॉर्म एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बट एग्जामिनेशन में हम लोग जो है वो क्लासिक ASP ही पढ़ेंगे, ओके। अब जो ASP है, ओरिजिनली इसको हमने ASP बोला था, विच इज़ एक्टिव सर्वर पेजेस, लेकिन बाद में इसका नाम क्लासिक ASP में चेंज कर दिया गया बिकॉज हमारे पास ASP के अंदर काफ़ी चेंजेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे और उसको एक डेवलपमेंट फेज के थ्रू काफ़ी पिछले सालों से, जैसे कि जो क्लासिक ASP है ये अप्रॉक्सीमेटली 1998 के अराउंड माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, और इस समय पर भी जो लेटेस्ट ASP कोर है वो 2016 के आसपास इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब देखेंगे अगर 1998 में इंट्रोड्यूस किया तो माइक्रोसॉफ्ट ने समवेयर बिटवीन 1996 के आसपास इसके ऊपर काम स्टार्ट किया होगा, तो पिछले 20 ईयर से कॉन्स्टेंटली माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इस पर फुल टाइम डेवलपमेंट कर रहा है, तो इसको पूरी जो फ्रेमवर्क है, जो पूरा मॉडल है, इसको फुल टाइम डेवलपमेंट कर रहा है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं ओरिजिनल ASP के, उसके अंदर काफ़ी चेंजेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं। बट अगेन हमें ये सब कुछ नहीं स्टडी करना, विल अगेन फोकस ऑन द क्लासिक ASP। तो हम सब थोड़ा सा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इन सभी का हम देख सकते हैं, ओके। अब आगे देखिए जो ASP टेक्नोलॉजीज़ हैं, सो ASP एंड बोथ ASP.NET आर सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज, बोथ टेक्नोलॉजीज एनेबल कंप्यूटर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरनेट सर्वर, तो जो भी कोड होगा वो इंटरनेट सर्वर एग्जीक्यूट करेगा और जो उसका रिजल्ट होगा कोड का, उस रिजल्ट को हमें क्लाइंट को, यानी कि जो वेब पेज की रिक्वेस्ट कर रहा है, हम उस रिजल्ट को क्लाइंट को सेंड करेंगे। सो नीचे वही लिखा हुआ है कि जब एक वेब ब्राउज़र है वो किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो जो हमारा ASP इंजन है वो फाइल को रीड करेगा, कुछ कोड को एग्जीक्यूट करेगा अपने अंदर, और फिर उसका जो रिजल्ट है वो क्लाइंट को सेंड करता है। तो जो वेब पेजेस हैं हमारे पास पहले से प्रीबिल्ट वेब पेजेस नहीं होते हैं, और वो जो वेब पेजेस हैं हम उसको डायनेमिकली जनरेट करते हैं। अब हिस्ट्री क्या है, सो इनिशियली जो ASP है वो देखो इसको आप थोड़ा सा आप नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इनिशियली जो ASP है वो ओरिजिनली अलग से नहीं डेवलप हुआ था, उसको इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर के साथ उसको एज एन एड ऑन प्रोवाइड किया गया था, और विंडोज़ NT जब इंट्रोड्यूस हुई थी उस समय पर इसको प्रोवाइड किया गया था। सो इट वाज अ फ्री कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। ये जो थ्योरी है ये आपको एग्जामिनेशन के ई वाले पोर्शन जो है ये रिक्वायर्ड नहीं है, बट एक आपकी नॉलेज के लिए, ताकि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको मिल जाए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको कवर कर रहा हूँ। तो इनिशियली जो है वो ASP अलग से डेवलप एक फ्रेमवर्क नहीं किया गया था, बट अगेन वो एज एन एड ऑन प्रोवाइड किया गया था माइक्रोसॉफ्ट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के साथ। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज पे काम किया तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा ISS के ऊपर। ISS जो है एक वेब सर्वर की तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो विच इज़ फॉर द विंडोज़ बेस्ड सर्वर, जैसे कि हमारे पास लाइनक्स बेस्ड सर्वर भी है, उसी तरीके से जो इनिशियल जो रिलीज था ISS का, वो IIS का, वो विंडोज़ बेस्ड सर्वर था। अब ASP जो है वो तीन डिफरेंट वर्जन्स उसके इंट्रोड्यूस किए गए थे। जो सबसे पहले हमारे पास ASP 1.0 आया था वो 1996 में आया था ISS 3.0 के पार्ट में, एज ए पार्ट ऑफ IIS, सॉरी व्हेन आई एम सेइंग ISS प्लीज करेक्ट मी, इट इज़ IIS, ओके। सो जो ASP 2.0 है वो सितंबर 1997 में रिलीज़ हुआ था, यानी कि अगले ही साल नेक्स्ट ईयर, और वो
उसको 4.0 IAS के पार्ट में रिलीज़ किया गया था। अब उसके बाद जो IAS है वो जो उसका फिफ्थ वर्जन है वो सन 2000 में आया था, यानी कि इसके बीच में हमारे पास 3 years का गैप था। अगर 3 years का गैप था तो मोस्ट प्रोबेबली आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ASP 3.0 जो है वो नवंबर 2000 में रिलीज़ हुआ था, तो सबसे पहले दिसंबर में, फिर सितंबर में, फिर नवंबर में। ओके, तो ये IAS 5.0 का एज ए पार्ट ऑफ IAS 5.0 ये रिलीज़ हुआ था। अब जो ASP 2.0 है उसके अंदर हमारे पास 6 built-in objects हैं, विच आर एप्लीकेशन, ASP एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सर्वर एंड सेशन। अब देखो ये एप्लीकेशंस, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि ASP 2.0 में ये चीज़ें होती क्या है, बिकॉज ये फर्दर आगे भी ये इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया था। सो बेसिकली यू हैव एन एप्लीकेशन, आप एक क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट कर सकता है सर्वर से किसी वेब पेज के लिए, सर्वर किसी वेब पेज को रिस्पॉन्ड कर सकता है। उसी तरीके से क्लाइंट जो है उसके अंदर एक सेशन उसके पास हो सकता है, जैसे कि एक वेब पेज के अंदर आपने लॉग इन किया तो लॉग इन एक सेशन क्रिएट हो जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक हम लॉग इन रहेंगे। सो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो सेशन के अंदर आती है। आई थिंक यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि सेशन क्या होता है। सो अब जैसे यहाँ पर दिया गया ASP ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट्स अ सेशन दैट मेंटेन्स द स्टेट ऑफ वेरिएबल फ्रॉम पेज टू पेज। तो किसी वेरिएबल की जो स्टेट है वो उसको मेंटेन करेगा। और दूसरा हमारे पास है एक्टिव स्क्रिप्टिंग इंजन सपोर्ट द कॉम्पोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, दिस इज कॉल्ड COM। ठीक है, तो ये चीज़ आपके वैसे इस समय पर रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसको लीव कर सकते हैं। आपको ये जो 6 names हैं ये इजी भी हैं, आई थिंक वेरी इंट्यूटिव है, आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। अब जो हमारे पास ASP 3.0 है, सो दिस ASP 3.0 डज नॉट डिफर ग्रेटली फॉर ASP 2.0। व्हाई? बिकॉज ASP 2.0 1996 में रिलीज़ हुआ था और ASP 3.0 1997 में रिलीज़ हुआ था। इन दोनों के रिलीज़ के अंदर अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 8 to 9 months का गैप था, तो ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो ASP 2.0 और ASP 3.0 में नहीं हुए थे, बस थोड़े से एनहेंसमेंट थे। एनहेंसमेंट कौन कौन से थे? हमारे पास एक सर्वर डॉट ट्रांसफर मेथड ऐड किया गया था, सर्वर डॉट एग्जीक्यूट मेथड ऐड किया गया था। उसी तरीके से सम देर वर सम एनहेंसमेंट्स इन ASP एरर। तो यहाँ पर सिर्फ एनहेंसमेंट्स को ही प्रपोज किया गया था, सो यू कंसिडर इट एज अ थ्योरी। अब जो ASP है वो 2020 तक, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि वो 2020 तक विंडोज 7 के साथ वो ASP को सपोर्ट करेगा। एंड द यूज ऑफ ASP पेजेस विल बी सपोर्टेड ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 फॉर अ मिनिमम ऑफ 10 years। तो अगले 10 सालों तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 के साथ फ्रॉम द विंडोज 8 रिलीज डेट, आई मीन जब विंडोज 8 को रिलीज किया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 के साथ ASP जो है वो अगले 10 सालों तक सपोर्ट करेगा। ओके, सो फ्रॉम द रिलीज डेट ओनली। ओके, सो जो ASP टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज ASP एंड ASP.NET आर बोथ सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज। अब जो सबसे पहले हमारा जो क्लासिक ASP का कही जाती है, क्लासिक ASP जो है वो 1998 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, एंड दे इंट्रोड्यूस्ड एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड, देखिए आपके पास दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो सकती है, यू कैन हैव अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड यू कैन हैव अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड का मतलब क्या है कि एक वेब ब्राउजर है, क्लाइंट के एंड पर, क्लाइंट के कंप्यूटर पर, क्लाइंट की मशीन पर जो वेब ब्राउजर है उसके अंदर जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो कोड एग्जीक्यूट होगा और क्लाइंट की मशीन पर ही उसका जो रिजल्ट है वो शो होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक तरीके से जब मैं क्लाइंट साइड की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये एक क्लाइंट है और ये एक सर्वर है। सो क्लाइंट विल रिक्वेस्ट फॉर सम वेब पेज फ्रॉम द सर्वर एंड सर्वर विल सेंड द वेब पेज, और यहाँ के जो एलिमेंट्स है वो क्लाइंट की साइट पर एग्जीक्यूट होंगे और क्लाइंट की साइट पर ही रिजल्ट जनरेट करेंगे। लेकिन जब मैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक क्लाइंट है और ये एक सर्वर है, तो क्लाइंट किसी रिक्वेस्ट, कोई किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर के पास, सर्वर के पास जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसका कोड एग्जीक्यूट होगा और उसका जो रिस्पांस है वो फर्दर सर्वर जो है वो क्लाइंट को देगा। तो सर्वर जो है वो ऑलरेडी एक रिजल्ट जनरेट करके क्लाइंट को देगा। अब जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट है। अब जावास्क्रिप्ट जो है वो एक तरीके से क्लाइंट साइट पर अपना रिजल्ट जनरेट करती है और क्लाइंट साइट पर ही रिजल्ट को देती है। लेकिन जो ASP है, जो ओरिजिनली ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह से डेवलप हुई थी, अब वो सर्वर साइट की तरफ रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान होना चाहिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक्चुअल में होती क्या है? जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये लैंग्वेजेस बेसिकली किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर एज ए कैरियर को यूज़ करती है। मतलब कहने का मतलब है जिस तरीके से
हमारे पास कुछ और लैंग्वेज हो सकती है, तो इनको हम उस लैंग्वेज के अंदर एड ऑन की तरह यूज़ कर सकते हैं टू एनहांस सम काइंड ऑफ फंक्शनैलिटीज़। सो दिस आर नॉट वेरी पावरफुल, बट अगेन दिस आर हैविंग सम पावर। सो जो क्लासिक ASP है उसको ओरिजिनली हमने ASP.NET कहा था, और वो नॉर्मली VB स्क्रिप्ट की फॉर्म में रिटर्न लिखी जाती है। ओके सो अब जो ASP.NET है उसको 2002 में रिलीज हुआ था। ASP.NET वॉज रिलीज इन 2002, विच वॉज अ सक्सेसर ऑफ क्लासिक ASP, एंड दिस ASP.NET हैव द फाइल एक्सटेंशन विच इज़ ASPX। सो ओरिजिनली जो हमारे पास ASP था वहाँ पर फाइल एक्सटेंशन थी .ASP, और ASP.NET के अंदर फाइल एक्सटेंशन है .ASPX। आपने चेक भी किया होगा कुछ वेबसाइट्स ऐसी है, जैसे कि आप ओपन करेंगे www.msdn.microsoft.com/some पेज का नाम, और उस पेज के बाद एक्सटेंशन होगी .ASPX। ASPX मतलब वो ASP.NET का वेब पेज है। सो इट इज़ नॉर्मली रिटर्न इन C#। ASP.NET जो है वो C# में रिटर्न हुई थी। बेसिकली क्या था कि हमारे पास सबसे पहले VB.NET इंट्रोड्यूस हुआ था, बट VB.NET के अंदर देर वर सो मैनी फॉल्ट्स, ये काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट्स थे VB.NET के अंदर। फिर VB.NET के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने C#.NET को इंट्रोड्यूस किया था, जिसने VB.NET की काफ़ी जो कमियाँ हैं, जो फॉल्ट्स हैं, उसको दूर किया था। तो जो ASP.NET है वो बेसिकली C#.NET में लिखी जाती है। बट देखो, आप एक सिंपल सा एग्जांपल आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो ASP है, ASP लिखी जाती है VB स्क्रिप्ट के अंदर, और जो ASP.NET है वो लिखी जाती है C# के अंदर। तो ये दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, एक हमारे पास है C# है और दूसरी हमारे पास VB। तो जो C# है वो VB का एक एडवांस वर्जन एक तरीके से कह सकते हो, नॉट एग्जैक्टली इट इज़ नॉट एन एडवांस वर्जन, बट इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ लैंग्वेज। बट अगेन VB जो प्रॉब्लम है, जो कमियाँ थी VB.NET के अंदर, उसको C# ने दूर किया था। ओके सो दिस ASP 4.6 जो है इज़ द लेटेस्ट ऑफिशियल वर्जन ऑफ ASP। तो ये लेटेस्ट ऑफिशियल वर्जन जो है वो 4.6 कहा जाता है, और जो ASP.NET 5 है वो इट इज़ एन काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट रीडिज़ाइन ऑफ ASP.NET। तो अब जो है माइक्रोसॉफ्ट ने ASP.NET 5 को भी स्टॉप करके अब उन्होंने ASP.NET कोर को इंट्रोड्यूस किया है। अब काफ़ी चीज़ें हैं जो पहले ASP.NET थी, अब कुछ सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को हमने कंबाइन कर दिया है सब ASP.NET कोर के अंदर, जैसे कि वेब फॉर्म वगैरह है, मैं भी आगे डिस्कस करूँगा इसी प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास है ASP.NET वेब पेजेस, तो ASP.NET वेब पेजेस जो है वो ASP.NET कोर के अंदर मर्ज कर दिए गए हैं। उसी तरीके से अब पहले हमारे पास था ASP.NET MVC, अब वो भी ASP.NET MVC जो है ASP.NET कोर के अंदर मर्ज कर दिया गया है। उसी तरीके से हमारे पास ASP.NET वेब API है, वो भी हमारे पास ASP.NET कोर के अंदर मर्ज कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ें जो हैं ASP.NET कोर के अंदर मर्ज कर दी गई है। सो ASP.NET कोर जो है वो 2016 में रिलीज़ हुआ था, जिसके अंदर हमने ASP.NET MVC को मर्ज किया था इसी के अंदर, उसी तरीके से ASP.NET वेब API को इसी के अंदर मर्ज कर दिया था, और ASP.NET वेब पेजेस को भी इसके अंदर मर्ज कर दिया था। बट एनीवेज, वी आर लकी इनफ कि हमें इतनी सब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें ASP.NET MVC को नहीं पढ़ना, ASP.NET वेब API को नहीं पढ़ना, और ASP.NET को भी हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन के लिए ये रेलेवेंट नहीं है। तो इस समय पर जो रेलेवेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए वो सिर्फ ASP है, जिसको हम बोलते हैं क्लासिक ASP। हमें जो वेब पेजेस है विच इज सिंगल, जो आप वेब पेजेस है वो नहीं पढ़ने, हमें ASP.NET MVC भी नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ें हमें इस समय पर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जो पढ़ेंगे वो क्लासिक ASP होगा, और क्लासिक एक्टिव सर्वर पेजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे एग्जामिनेशन में सिर्फ इतना ही आने वाला है। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है जिन्होंने हमारे कोर्स के लिए रजिस्टर किया गया है, आप अपने गूगल ड्राइव के फोल्डर पे इसको प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ASP के बारे में। तो अब हम लोग जो कंटेंट है, जो बेसिकली इसका जो कोर्स कंटेंट है, उसको स्टार्ट करते हैं और कोर्स कंटेंट को पढ़ने उसको पढ़ते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।